इज अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो भाई आई होप आप सबको अभी तक ये जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो अच्छी लग रही होंगी। तो आई होप प्यार बनाए रखना, मुझे सपोर्ट करते रहना भाई लोग। और आज हमारे पास आप पीछे देख सकते हैं स्पेशल गाड़ी आई हुई है। तो भाई आज हमारे पास आई है BMW 5 सीरीज़, जो कि सिरेमिक कोटिंग के लिए आई है। बस इसमें अभी आपको मैं बिफोर शॉट्स दिखा रहा हूँ कि गाड़ी पहले कैसी थी और जो सिरेमिक कोटिंग है उसके बाद इसमें क्या क्या आपको चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। तो ये है गाइस 520D डीजल वेरिएंट है ये। मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी में होनी है सिरेमिक कोटिंग, बिकॉज इसका जो कलर है वो बहुत ही डल हो चुका है। स्क्रैचेस आपको बहुत सारे दिखेंगे, जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो में शूट करके दिखाऊंगा। आप देखिए, आपको ये वाले जो हैं ये वाले स्क्रैच दिख रहे होंगे, आपको थोड़ा करके दिखाते हैं। ये वाले स्क्रैच गाइस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, मिट्टी भी लगी हुई है, प्लस स्क्रैचेस भी है इसमें बहुत ज़्यादा, कलर डल हो चुका है। गाइस अभी गाड़ी गंदी भी बहुत है, इसलिए आपको जो स्क्रैचेस हैं वो प्रॉपरली भी इतने शो नहीं हो पा रहे होंगे कि क्या स्क्रैच है, क्या वो थोड़ी मिट्टी के जो होते हैं अपने, क्या होते हैं वो मिट्टी के जो ये लाइंस होती है ना, मिट्टी वाली लाइंस, ये भी आपको थोड़ी स्क्रैचेस में ही शो हो रही होंगी। इस चक्कर में पहले इस पर होगी थोड़ी ड्राई क्लीनिंग करेंगे अंदर से इनकी सीट्स जो है, उसके बाद होगी वॉश गाड़ी की और फिर इसमें कोटिंग चालू होएगी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ गाड़ी का कलर सच में ही डल हो चुका है, कोई नहीं कह सकता इसे कि भाई 2018 वाला मॉडल है ये। तो गाइस सच में गाड़ी पे एज सच कोई मेजर स्क्रैच नहीं है, माइनर स्क्रैच है, बट यार वेरी करता है, बिकॉज आप इतनी थोड़ी कॉस्टली गाड़ी लेते हैं ये वाली, उसकी केयर करनी तो बनती है ना गाइस। तो थोड़ा अंदर से भी हम चेक इट आउट कर लेते हैं गाड़ी को। हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं गाइस। तो भैया बताइए अभी क्या क्या अभी गाड़ी में काम होना है और क्या क्या चीज़ें अभी रहती है। अभी देखो इसके मैट भी नहीं हो रखे, ठीक है। हाँ जी, ये मैट भी ट्रैक क्लीन होगा, ये पूरा मैट होगा, नीचे वाली सारे ट्रैक क्लीन होगा, फ्लोर भी होना है, कालापन है। ओके ओके, तो इसमें अभी क्या खराब है? वैसे काला डलनेस आ चुकी है बहुत, ब्लैकिश बहुत ज्यादा आ चुकी है। हाँ जी ठीक है सर। उससे बाद ये सीटें हैं, हाँ जी कालेपन में ही है। अच्छा हाँ जी, जैसे डार्क हो रखी है अभी, ठीक है। लाइट में अब लाइट पन आ जाएगा सब सीटों के। ओके, जैसे कंपनी से आई है भैया वैसा कह सकते हैं, उससे थोड़ा नहीं वैसा ही बनेगी। और ये डैश में भी अपना कुछ होना है? डैश में भी हो गया, खुदरा बनना है। अच्छा, ये रफनेस आ रखी है अभी। हाँ जी ओके, ओके करेंगे जाने क्लीन कर देंगे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला भी होगा इसमें कवर? ये पार्ट भी, ये भी होगा कवर। ओके, ये वाला पार्ट भी कवर होगा अपना, ठीक है। ओके करके जाने की जैसे आती है शोरूम से वैसे ही बनेगी गाड़ी। ओके ओके, तो गाइस जैसा कि आपने सुना भैया अभी कह रहे हैं इसमें क्या क्या काम होना भी बाकी है, तो जुड़े रहिएगा गाइस, आगे देखते हैं और क्या क्या काम होना है अभी इसमें। अभी जो है टायर्स की डिटेलिंग चालू हो रही है, टायर्स को खोल के जितनी भी डस्ट है जितना भी क्लीनिंग करना है ये टायर को ओपन करेंगे, उसके बाद इसका प्रोसीजर चालू होगा। आगे वाला जो अलॉय है टायर वो खोल लिया है। तो भैया अभी ये क्या चीज़ है ये आपके हाथ में? ये अलाव क्लीनर है, इससे जितने भी डस्ट है जंग के सब अंदर की सफा हो जाएगी ये सब। अच्छा, तो ये जितना भी रस्ट है अंदर, भैया कह रहे हैं जितना भी रस्ट है डर्ट पार्टिकल्स है इस अलॉय क्लीनर से ये चली जाएगी। तो ठीक है भैया, करिए शुरू। पहले वाले अलॉय से कितनी डर्ट निकली है इस अलॉय क्लीनर से, जितना भी क्लीन किया है बहुत ज़्यादा डर्ट निकली है इसमें से। आपने बिफोर आफ्टर देख लिया है अलॉय का, तो ऐसे ही हमारे चारों अलॉय डन होंगे इस गाड़ी के, उसके बाद गाड़ी के अंदर की डिटेलिंग है वो चालू होगी। तो गाइस यहाँ पे जो ड्राई क्लीनिंग वाला प्रोसेस है वो डन हो चुका, सॉरी वो मैं आपको दिखा नहीं पाया,
बट जो ड्राई क्लीनिंग वाला प्रोसेस है वो डन हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी शाइन वापस आ चुकी है सीट कवर्स में। डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं जो शाइन थी वो वापस आ चुकी है, और सीट्स पे जो डार्क मार्क्स थे वो भी जा चुके हैं। और अगर हम बात करें पीछे वाली सीट्स का, तो पीछे वाली सीट्स पे आप देखेंगे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डार्क मार्क्स थे, तो ये भी हमने सारे रिमूव करवा दिए हैं और एकदम न्यू जैसी अपील पूरी सीट्स में वापस आ चुकी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है सिरामिक कोटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे स्वेल मार्क्स और माइनर स्क्रैचेस आप देख सकते हैं गाड़ी पे। और अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक मेजर स्क्रैच दिख रहा होगा जो कि कैमरे में पूरा विजिबल है, तो आप ये वाला स्क्रैच भी आप अलॉयज देख सकते हैं कि कितने शाइन मार रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पे जो है मास्किंग वाला प्रोसीजर है वो डन हो चुका है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने फर्स्ट कोट की तरफ। यहाँ पे हो चुकी है सिरेमिक कोटिंग डन। तो पूरी रात काम चला था, पूरी रात तो नहीं मतलब 3-4 बज गए थे। तो मैं आफ्टर शॉट आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने कोटिंग वाली वीडियो एक इनोवा क्रिस्टा पे भी बनाई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। बाकी इधर मैं आपको इसमें दिखा दूँ जितने भी यहाँ पे एक मेजर स्क्रैच था वो भी जा चुका है बिल्कुल, और आप लुक देख सकते हैं गाड़ी की। ये जानबूझ के मैंने डे लाइट में खड़ी करवाई है ताकि आपको भी ज़्यादा क्लैरिफाई हो कि काम कितना अच्छे से हुआ है और प्रोफेशनली डन करा है इस गाड़ी पे। अलॉयज़ की बात करें तो अलॉयज़ आप कल वाली क्लिप में देख सकते थे कि पूरे अच्छे से डिटेलिंग करी थी इनमें, और यहाँ पे आपने देखा था यहाँ पे कितने माइनर स्क्रैच थे पर लंबे लंबे थे, वो सारे ही जा चुके हैं यहाँ पे। और लुक सही में बहुत अपीलिंग हो ही गई है गाड़ी की, प्लस ये है कि नई से कम भी नहीं लग रही है गाड़ी। तो आप देख सकते हैं इसमें सिरामिक कोटिंग 9H वाली डन करी है। भाई बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी देख के। भाई सच में बात करूँ तो अगर आप सामने अगर गाड़ी को टच करके भी देखेंगे तो एकदम सॉफ्ट हो रखा है। कल पूरा ये रफनेस आ रखी थी इसमें बिल्कुल, और मतलब लग ही नहीं रहा था कि कोई एंगल से कि ये सिर्फ 2-3 साल पुरानी गाड़ी है। बाकी भाई अब देख सकते हैं तो भाई मतलब मैं कह ही कोई कहे ना गए, पर मैंने जो कल से और आज वाली क्लिप में मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये मुझे वो वाली गाड़ी फ़िलहाल तो नहीं लग रही है। होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो भाई ऐसे ही प्यार बनाए रखो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैंने बहुत जनों को देखा है वो बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। तो भाई ऐसी और वीडियोस अच्छी अच्छी आएंगी, तो आप चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और अच्छा आपको दिखाने की। बाकी मेरा आप सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हैं कि मैं आपको ट्राई सिटी में जितनी भी हमारे पास ये डिटेलिंग शॉप्स हैं, डिटेलिंग स्टोर्स हैं, जितने भी ये हम कवर करेंगे अच्छे से, आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा मैं। तो थैंक यू गाइज, अपना ध्यान रखिएगा और धन्यवाद।